किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं गांव नगला मेगा करनाल हरियाणा के अंदर, और आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर लाठर, जिन्होंने पूरा जीवन अपना कृषि को दे दिया और एज ए साइंटिस्ट इन्होंने अपने जीवन के अंदर काफी सारे खेतीबाड़ी को लेकर बदलाव किए और कई तरह की इन्होंने रिसर्चेस की। इसके साथ साथ अभी आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे डॉक्टर लाठर ने अपने एक नए तकनीक से, एक नए तरीके से कैसे पूरे देश भर के किसानों को जागरूक कर रहे हैं सीधी धान बिजाई के लिए। इसके साथ साथ हम, क्योंकि आज डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं, अभी डॉक्टर साहब के बारे में पीछे आपने चर्चा सुनी होगी, कई बार मीडिया में देखा होगा आपने, प्रेस रिलीज देखे होंगे। डॉक्टर साहब हमारे सामने आज रूबरू हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम एक ऐसा एपिसोड जरूर लेकर आए डॉक्टर साहब के साथ, जिसके बारे में किसान भाइयों को बताया जाए कि कैसे किसानों को बड़ी बड़ी कंपनियां ठगी का शिकार बनाती हैं और उससे बचने के लिए डॉक्टर साहब ने क्या कदम उठाए, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब आगे क्या किसान भाइयों को मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन चीजों को लेकर जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तब तक शायद वो निरंतर हमारी जेब पर पड़ने वाला बोझ ऐसे ही बढ़ता रहेगा और किसान कर्ज में दबा रहेगा। तो बिना ज्यादा देर किए किसान भाइयों, मैं डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के साथ साथ हमारे किसान भाई कादियन साहब भी मौजूद है। नमस्कार कादियन साहब। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आज से कुछ समय पहले हमने एक न्यूज़, एक प्रेस रिलीज जो है अभी देखी थी और पढ़ी थी, उसमें क्या था कि हाइड्रोजल एक बहुत बड़ा इशू था, जिसके अंदर हमने देखा कि 5,000 करोड़ रुपए की मार्केट एक कंपनी की एक ही दिन के अंदर कैसे आपने उसको धराशायी कर दिया, एकदम उसे गिरा दिया। वो आपने गिराया या वो खुद से गिरे, आप प्लीज एक बार किसान भाइयों को हाइड्रोजल क्या है और उसकी तकनीक क्या थी और उसके बारे में प्लीज आप पूरा बताएं। मुंजाल साहब, दो चीजें हम बताना चाहेंगे आपको। हाँ जी। हाइड्रोजल एक ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो अपने वजन से 30 गुना ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेता है जी। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो अपने वजन से 30 गुना ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लेता है, सोख लेता है, उसको हाइड्रोजल बोलते हैं जी। तो हाइड्रोजल नेचर में आज से नहीं है, जब से दुनिया बनी तब से हाइड्रोजल दुनिया में है जी। तो हाइड्रोजल तीन तरह के होते हैं जी। सबसे पहले हाइड्रोजल है जो प्राकृतिक है जी, जिसमें पौधों के गोंद आते हैं जी। तो उसके बाद आपके गोबर भी हाइड्रोजल का पार्ट आता है जी। दूसरे वो हाइड्रोजल हैं जो प्योरली केमिकल से बनते हैं जी, रासायनिक होते हैं जी, उनको हम बोलते हैं केमिकल हाइड्रोजल जी। तीसरे हाइड्रोजल हैं जो सेमी केमिकल हैं जी, सेमी सिंथेटिक हाइड्रोजल हैं जी, जिसमें कुछ हिस्सा पौधों का होता है जी, कुछ केमिकल होता है जी। तो मैं किसान साथियों को आज आगाह करना चाहता हूँ जी कि खेती के लिए जी सिर्फ प्राकृतिक हाइड्रोजल ही इस्तेमाल करें जी, क्योंकि रासायनिक हाइड्रोजल जो पिछले 50 साल से बाजार में धोखे के साथ बिक रहे हैं जी, उस पर मैंने बहुत प्रयोग किए हैं जी। उन प्रयोगों में पाया है जी कि सभी सिंथेटिक हाइड्रोजल, रासायनिक हाइड्रोजल जी, जमीन में गिरते ही पानी पानी हो जाते हैं जी। तो जब मैंने प्रयोगों में आगे चेक किया जी, तो पाया कि हमारे जमीन में कैल्शियम नामक एक तत्व होता है, सभी जमीनों में होता है वो जी। तो कैल्शियम के संपर्क में आते ही हाइड्रोजल का जो जेल है जी, वो पानी में बदल जाता है जी। तो जब पानी बदल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि खेती में हाइड्रोजल किसी काम का नहीं है जी। दुख की बात ये रही कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संस्थान जी, कृषि संस्थान, भारतीय कृषि संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली जी, उन्होंने भी पूसा हाइड्रोजल बनाया है जी। तो जब मैंने अपने प्रयोगों में उसको भी चेक किया जी, उसका भी वही ह्रास हुआ जो प्राइवेट कंपनियों के हाइड्रोजल का होता है। जैसे ही हम जमीन में डालते हैं, जमीन में डलते ही 5 से 10 मिनट के अंदर पानी पानी हो जाता है जी। तो इस किसानों से धोखा साबित हुआ जी। मैंने अपने इस अनुसंधान को अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल हैं जी, उसमें इसको पब्लिश किया जी। पब्लिश होने के बाद हमने राजस्थान पत्रिका में इसको अखबार में लगाया जी। और जब अखबार में लगा जी, तो किसान जागरूक हुए जी। और जागरूक का असर ये हुआ कि 3,000 करोड़ सालाना की हाइड्रोजल की जो इंडस्ट्री थी जी, वो एक हफ्ते में पूरी बैठ गई जी। और उसी से दुखी होकर जी,
जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी हाइड्रोजन बनाने वाली उस टाइम थी जी, यूपीएल इंडिया जी, जो जैबा हाइड्रोजन बनाती थी जी, उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भी दिया 100 करोड़ रुपए हर्जाने का जी। उसका जब मैंने जवाब दिया जी, तो कंपनी मुकदमे से भाग खड़ी हुई जी। उसी के बाद फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जी, किसान सेवक होने के नाते राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा जी, कि इतना बड़ा धोखा किसानों से भारत सरकार ने किया है जी, प्राइवेट कंपनियों ने किया है जी, इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए जी, अब उसकी जांच चल रही है जी। तो किसान साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि किसी भी रासायनिक हाइड्रोजल के चक्कर में ना पड़े जी, किसी भी खेती में कोई फायदा नहीं देगा जी। हाँ, हाइड्रोजल हर्बल हाइड्रोजल यूज करें जी, जो कि गोंद कतीरा हमारा आम पंसारी के यहाँ किराने की दुकान में मिलता है जी, और बहुत सस्ता मिलता है जी, 150 से 200 रुपए किलो के बीच मिल जाता है जी, वो उतना ही काम करता है जितना सिंथेटिक हाइड्रोजन काम करते हैं जी, उससे सिंचाई पानी की बचत होती है जी, उसमें वो डालें डीएपी मिला के खेत में डालें जी, तो लगभग आधी सिंचाई में ही आपकी फसल पूरी हो जाती है जी, उसका प्रयोग जरूर करें जी। इसके अलावा मैं एक और किसानों को आगाह करना चाहता हूँ, फूट की दवाई जी, टिलरिंग जिसको हम बोलते हैं जी, किसी भी फसल में फुटाव जी, उस फसल की गुणता में आता है जी। कुछ किस्मों में फुटाव कम होता है, जैसे बासमती धान है उसमें फुटाव कम आएगा जी, जो मोटे धान है उसमें फुटाव बहुत ज़्यादा आता है जी। ऐसे ही गेहूं में भी जो नई किस्में हैं उसमें फुटाव बहुत ज़्यादा है जी, जो पुराने किस्में 306 वगैरह हैं उसमें फुटाव कम है जी। तो किसान इस धोखे में ना रहें जी, कि कोई दवाई फुटाव बढ़ा सकती है जी। किसी वैज्ञानिक ने, किसी अनुसंधान केंद्र ने अब तक फुटाव की दवाई पूरी दुनिया में नहीं बनाई है जी। तो जो दवाई बिक रही है बाजार में जी, वो एक सरासर धोखा है जी। किसान के पॉकेट पे एक बोझ है जी। फायदा कुछ नहीं है इसका, उचित मात्रा में उचित दवाई डालने से ही फायदा होगा जी। अनुचित मात्रा अनुचित दवाई डालने का नुकसान है जी, आर्थिक नुकसान भी है और फसल को नुकसान भी है जी। ये मेरी सभी किसानों से अनुरोध है जी, कि अज्ञानता से बचे जी, और ज्ञान को ग्रहण करें जी। धन्यवाद प्लीज। तो ये थे हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने अभी बताया आपको कि हाइड्रोजेल का कितना बड़ा जाल पूरे देश में फैला हुआ है, इसके साथ साथ क्या फूड की दवाई का नाम लेकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है दुकानदारों के माध्यम से या कंपनियों के माध्यम से। किसान भाइयों, हमारा केवल और केवल इतना सा मकसद है कि हम डायरेक्टली जो भी बात आपके सामने रखें वो बिल्कुल सच्चाई के साथ रखें, ताकि किसान की जेब पर पड़ने वाला बोझ उसको इतना ना दबा दे कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है जो किसान जंक्शन के नाम से है, जिसके माध्यम से हम डायरेक्टली जो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया अनाज है उस धान को सीधा हम कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक काम कर रहे हैं, आप उस ऐप के साथ जरूर जुड़ें, अपना फॉर्म जरूर भरें, वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in पर आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।